देखिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आज वृंदावन में पहली बार आई, जबकि बहुत दूरी कृष्ण और मुझे मक्खन का प्रसाद मिला है, तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ जैसे आप देख सकते हैं। और काफी भीड़ थी क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए सुबह आने में, पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य का दिन है। मैं क्या कहूँ, मैं तो पूरी तरह से भक्ति में अभी डूबी हुई हूँ। मैं लगातार सुर्खियों में रहती हूँ और लोगों को आपके बयान से काफी रोष व्यक्त रहता है, क्या कारण है? जिन लोगों को, जो लोगों के दिल में चोर है उन लोगों को तो तकलीफ होगी। जो लोग सच्चे हैं, जो लोग बहादुर हैं, देशभक्त हैं, जो राष्ट्र के हित में बात करते हैं, उन लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेंगी और कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मैडम 2022 में चुनाव में क्या भाजपा के लिए आप कैंपेनिंग करती हुई दिखाई देंगी? जो राष्ट्रवादी है मैं उसके लिए कैंपेनिंग करूंगी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ। जो राष्ट्रवादी है मैं उन्हीं के लिए। आज कल आपने किसान से मांगी माफी, किसान को आज का आखिरी दिन है, ठीक है, राधे राधे, जब खत्म करने का आंदोलन। क्या माफी मैंने कभी नहीं मांगी, और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू? माफी मांगने का कोई, और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जगह पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहां मैंने माफी मांगी हो। वहां की जो महिलाएं हैं, हम लोग पंजाब और हिमाचल में जिस तरह के संबंध है, मैं खुद चंडीगढ़ में पढ़ी हूं, तो ये इस तरह की बातें मत फैलाइए। और बहुत ही ज्यादा हमें प्रेम है, भावना है, कुछ एकमात्र मुट्ठी भर लोगों के जो जो असामाजिक तत्व है उनके कुछ कहने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन उसके बाद किसानों ने आपकी गाड़ी रोकी। हाँ तो क्या हुआ, अगर उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी तो उसमें से ऐसे भी बहुत लोग थे जो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्यों इस लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों पे हमेशा हावी रहने चाहिए। मैडम शहीदों के लिए आपने जो बयान दिया उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे?